दोस्तों, अक्षय कुमार अपनी आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अक्षय कुमार की अभी हाल ही में आई मूवी यानी सेल्फी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई है और इतनी इसकी बुरी हालत होगी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि इनकी आने वाली सबसे पहले नंबर वन फिल्म यानी OMG 2, जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन आपको बता दें कि इसमें हमें अक्षय कुमार बहुत ज़बरदस्त यानी शिव का रोल प्ले करते नजर आएंगे। इसमें हमें पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम नजर आने वाली है, साथ ही कई अन्य बड़े बड़े कलाकार यानी परेश रावल भी नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बहुत बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी और ये हमें अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगी। बात करें दूसरी फिल्म की तो दूसरे नंबर पर फिल्म है हेरा फेरी 3। जी हाँ दोस्तों, हेरा फेरी 2 का सीक्वल यानी हेरा फेरी 3, ये मूवी बहुत बड़ी होने वाली है। इसमें हमें अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी की जोड़ी देखने को मिलेगी और इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसके प्रोमो शूटिंग की शुरू हो चुकी है और इसका जल्दी प्रोमो आ जाएगा और इसकी फिर 3 महीने बाद शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। ये मूवी हमें 2024 के शुरू में ही देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि इसका डायरेक्शन फराज सामजी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि नंबर 3 पर आती है आवारा पागल दीवाना 2। जी हाँ दोस्तों, आवारा पागल दीवाना बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और इस मूवी को बहुत ज़बरदस्त लेवल पर बनाया जाएगा और इसमें भी हमें कॉमेडी और एक्शन बहुत भरपूर देखने को मिला था और अक्षय कुमार का ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला था। और आपको बता दें कि इस मूवी का डायरेक्शन इस बार अहमद खान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि अहमद खान इस मूवी को बनाएंगे और बहुत अच्छी बड़ी लेवल पर बनाया जाएगा और ये मूवी भी हमें 2024 के शुरू में देखने को मिल जाएगी। अब नंबर 4 पर बात करते हैं वेलकम 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेलकम जो कि बहुत ज़बरदस्त मूवी हुई थी, वो भी अक्षय कुमार की थी, बेहतरीन थी भाई लोग, बहुत ज़बरदस्त यानी क्या कॉमेडी थी, क्या एक्शन था भाई। और आपको बता दें कि वेलकम 2 जिसमें हमें जॉन अब्राहम देखने को मिले थे, लेकिन वो सुपर हिट या फिर हिट भी नहीं हो पाई थी। वैसे तो अच्छी कमाई, लेकिन यार अक्षय के बिना कुछ चली नहीं। और आपको बता दें कि अब वेलकम 3 की अनाउंसमेंट होने वाली है और ये जल्दी आएगी यानी 2024 के यानी बीच में देखने को मिल जाएगी। इसमें हमें अक्षय कुमार के साथ नाना पाटेकर, अनिल कपूर और बहुत ज़बरदस्त जोड़ी देखने को मिलने वाली है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मूवी होने वाली है यार। फिर परेश रावल और सुनील शेट्टी भी देखने को मिलेगी इस मूवी में। और आपको बता दें कि ये मूवी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और नंबर 5 पर बात करते हैं यार बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में। आपको बता दें कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ की एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसे बहुत बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस मूवी को दिसंबर यानी क्रिसमस के मौके पर 23 दिसंबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो आप इसके लिए कितने